आज के लोग जो है बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो फ़ोनपे का यूज़ करते हैं लेकिन जब उनको तब परेशानी आता है जब वो फ़ोन पे का पिन भूल जाते हैं मैं यू पिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फ़ोन पे पिन की बात कर रहा हूँ जो हमने लॉक लगा के रखा है कहने का मतलब साफ है दोस्तों कि ये सिक्योरिटी के लिए हमने फ़ोन पे का लॉक लगा के रखा है तो उस फ़ोन पे का पिन आप भूल जाते हैं तब आप लोगों को परेशानी हो जाती है ये तब होता है जब आप जो है कोई दूसरे मोबाइल से ये करते हैं और आप भूल ही जाए रहते हैं कि पिन क्या है और इसको फॉरगेट कैसे करना है इसको रिसेट कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताने वाले हैं कि अगर आप फोन पे का पिन भूल जाते हैं यू पिन की बात नहीं कर रहे हैं फोन पिन का बात कर रहे हैं तो उसका आप पिन भूल जाते हैं उसको रिसेट कैसे करना है चलिए विस्तार से आप लोगों को बताते हैं ये परेशानी आपको जब मोबाइल दूसरे मोबाइल से लॉग इन करते हैं नया मोबाइल लेते हैं और उस पर को भूल जाता है तब ये परेशानी आता है या तो आप फोन पे को अनइंस्टॉल कर देते हैं या तो लॉग आउट कर देते हैं तो ये परेशानी आपको देखने को मिल जाता है तो फोन पे पर हम चलते हैं आप लोग बताते हैं कि इस परेशानी को सॉल्व कैसे करना है तो फोन पे को ओपन करते हैं जब ओपन करेंगे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं और यहाँ नीचे में आप को प्रोसीट का बटन दिख रहा है क्लिक क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हैं जैसे ही दोस्तों चलिए मोबाइल नंबर डाल देते हैं और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको बताते हैं ऑप्शन क्या आता है तो यहाँ पर हमने जो है मोबाइल नंबर अपना डाल दिया प्रोसीड पे क्लिक करते हैं प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है ऊपर में आपको मोबाइल नंबर अपना दिख रहा है लेकिन जो है दोस्तों यहाँ पर आपका जो है इंटर योर फोर डिजिट पासवर्ड यहाँ पर आपको पासवर्ड याद नहीं रहता है अगर जो भी पासवर्ड अगर आप गलत पासवर्ड डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो है पासवर्ड डाल देता हूँ और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों अनेबल टू प्रोसीड यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन यहाँ पर आपको जो है बोल रहा है कि ये पासवर्ड गलत है तो यहाँ, तो यहाँ पर हम कट कर लेते हैं और फिर से देखते हैं यहाँ पर प्रोसीड पे फिर, फिर से क्लिक करते हैं नंबर हमारा आ गया प्रोसीड पे फिर से क्लिक करते हैं प्रोसीड पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है ठीक है पासवर्ड तो हमें याद नहीं है तो यहाँ पर अनदर लॉग इन ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं चलिए मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ क्या होता है देखते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दो ऑप्शन दिया गया है एक तो यहाँ पर जो है आप जो है क्या कर सकते हैं सबसे पहले बता दें दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको ऑप्शन आप नहीं दे रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऑप्शन कैसा आएगा तो यहाँ पर जो है लॉग इन विद ओ लिखा हुआ है और लॉग इन बाय सेंडिंग एसएमएस लिखा हुआ है तो दो ऑप्शन में अभी हमें क्या करना है चलिए आप लोगों को दे हैं सबसे पहले ओ सबसे बेस्ट रहता है ओ में जो है दोस्तों तुरंत ओ आ जाता है आपके मोबाइल नंबर पर जिस नंबर पर आप जो है जिस नंबर से आप फोन पे यूज़ कर रहे हो उस नंबर से अगर आप करते हैं तो आसानी के साथ ओ आ जाता है तो ओ टी पी थ्रू कर लेते है, करेंगे दोस्तों दोस्तों पर पर आ जाएगा आने के बाद अपने आप फिल हो गया और यहां पर हमारा जो फोन पे है वो जो है लॉग हो गया इसके बाद दोस्तों पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अब परमिशन मांग रहा है तो सबसे पहले आपको यहां पर परमिशन आपको दे देना है यहां पर ओटीपी हमारा आ गया ऑलरेडी और उस, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको जो भी परमिशन देना है यहाँ पर सारा परमिशन मांग रहा है तो हम परमिशन दे देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमें जो है यहाँ पर करने के मतलब साफ है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा जो फोन पे है वो लॉग हो गया अब सेकंड नंबर पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको जो है दोस्तों सर्वर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है सर्वर की वजह से प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा और वेट करने के बाद दोस्तों ये जो है क्या होगा कि आपका जो सर्वर सर आपका जो फोन पे है वो लॉगिन हो जाएगा लेकिन दोस्तों टेक्निकल इशू एसयू भी देखने को मिल जाता है कई कई मोबाइल में मैंने देखा है मेरा एक दोस्त था कल के डेट में जो है उन्होंने मेरे को ये समस्या बताई तो चलो भाई इसके बारे में वीडियो बनाया जाए बहुत से लोगों को भी परेशानी हो रही है इनको परेशानी हो रही है पासवर्ड भूल जा रहे हैं तो मैं जो है इस वीडियो को जो है बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो है जो है यहाँ पर जो है तो दोस्तों यहाँ पर बनाने का मकसद ये था कि जो है वो भूल गया था एक अंदा भूल गया था और कई लोग भूल जाते हैं ठीक है तो हमने जो है यहाँ पर जो है लॉग तो कर लिया लेकिन अभी तक हमने पासवर्ड चेंज नहीं किया है तो पासवर्ड चेंज करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं आपका लोगो अपना दिख रहा होगा यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एंट्रफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तो नीचे नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन को मिल जाता है यहाँ पर चेंज, आ, चेंज यहां पर लिखा हुआ है देख सकते हैं ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भाई लोग यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक कर देना है इस पर जैसे क्लिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड का ओल्ड पासवर्ड का जो है पूछा जा रहा है आपके पास ओल्ड पासवर्ड है हम तो भूल गए हैं भाई ओल्ड पासवर्ड हमें याद नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पर देखने को मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड का ठीक है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है इसी पे क्लिक कर दें चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर से आपने जो है फ़ोन पे बनाया है उस मोबाइल नंबर पे ओ जाएगा ओ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेट न्यू फोर डिजिट पासवर्ड यहाँ पर आपको जो है फोर डिजिट पासवर्ड आपको जो है जो जो भी पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड डाल देंगे एग्जाम्पल देखो तो मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए मैंने एक पासवर्ड डाल दी पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों तो यहाँ पर जो है योर पासवर्ड हैज़ बिन सक्सेसफुली चेंज दिस लॉग इन अगेन यहाँ पर जो है कंफर्म कर देना है कंफर्म जैसे कर देंगे दोस्तों यहाँ पर आपका इस प्रकार से ऑप्शन रह जाएगा तो प्रोसीड टू तो लॉगिन पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको जो है अपना पिन डाल देना जो भी पिन बनाया हो वो पिन आपको डाल देना है लॉगिन पे क्लिक करना है लॉग इन हो जाएगा इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड को रीसेट फॉरवेड जो भी करना चाहते हैं इस प्रकार से कर सकते हैं तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया था तो जो मैं कोई भी फ़ोनपे का जो है प्रचार नहीं कर रहा हूँ ठीक है प्रचार नहीं कर रहा हूँ अगर आप जो है फ़ोनपे अभी तक यूज़ नहीं करते और यूज़ करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ़ोनपे और जो है यूज़ कर सकते हो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में यही बताने वाला था तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना अपने तमाम दोस्तों का शेयर करना अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहो सलामत रहो